एक जंगल किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वे सब बड़े प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती और 7 बच्चे जंगल में खेलते, नाचते, गाते, उछल कूद मचाते। उनके दिन बहुत ही हंसी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन बकरी ने देखा कि जंगल से खतरनाक काला भेड़िया वहां आ गया है और उसके बच्चों को खाने की फिराक में है। तब से उसने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। वे पूरा दिन भर घर में रहते। बकरी अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती। एक दिन बकरी को खाने की व्यवस्था करने के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चों को समझाया, मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना, खतरनाक भेड़िया आसपास घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ये भेड़िया है, इसके काले पैर है और इसकी आवाज कर्कश है। ये इसकी पहचान है। दरवाजा खटखटाने पर ये जरूर देखना। इतना कह के बकरी चली गई। 7 बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने बकरी को घर से जाते हुए देख लिया था और बच्चों को खाने के लिए उसका घर पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बकरी का बच्चा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा तो सबसे बड़े बच्चे को अपनी माँ की बात याद आई और उसने उसे रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे प्यारे बच्चों, भेड़िये ने उत्तर दिया। बकरी के बच्चे उसकी आवाज पहचान गए। वह बोले, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी है और तुम्हारी कर्कश आवाज है। तुम वही काले भेड़िये हो। चले जाओ यहाँ से, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िया वहां से चला गया। वह सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज को मीठी बनाऊं। तभी उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक चौक खा लेता हूँ। और उसने जल्दी से एक चौक ली और टपक से खा ली। उससे उसकी आवाज मीठी हो गई। वह फिर से बकरियों के घर में गया और दरवाजा खटखटाने लगा तो बकरियों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। सबसे बड़े बकरी के बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई दिए और वह समझ गई कि वह भेड़िया है। वह बोली, तुम हमारी माँ नहीं हो दुष्ट भेड़िये, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ के पैर सफेद हैं और तुम्हारे पैर तो काले हैं। भाग जाओ यहाँ से, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िया वहां से चला गया और इस बार खुद पर आटा उड़ेल कर आया। आटे के कारण वह सफेद हो गया था और उसने घर का दरवाजा फिर से खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें लाई है बाजार से। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद बकरियों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे जो आटे के कारण सफेद हो गए थे। लगता है हमारी माँ आ गई, बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने कहा, दरवाजा खोल दो। बाकी बकरी के बच्चे बोले,
लेकिन सबसे छोटे बकरी के बच्चे ने उन्हें रोका कि ये भेड़िया भी तो हो सकता है। तो दूसरी बकरियों ने उसकी बात नहीं मानी और वह अंदर के कमरे में जाके छुप गया। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया दंदनाता हुआ अंदर आया। दुष्ट भेड़िये को देख के बकरी के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िये ने उन्हें निगल लिया। उसे याद ही नहीं था कि बकरी के तो 7 बच्चे हैं, इसीलिए उसने बकरी के सबसे छोटे बच्चे को नहीं ढूंढा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद बकरी वापस लौटी। घर का दरवाजा खुला देख उसे शक हुआ। वह दौड़ के अंदर पहुंची तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं पड़े। वह इधर उधर ढूंढने लगी तो सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी माँ को सारी बात बताई। बकरी को बहुत गुस्सा आया और वह भेड़िये से बदला लेने के लिए निकल पड़ी। जंगल में जाने पर उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चों को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया है। उसका मोटा पेट देख के बकरी समझ गई कि उसने उसके बच्चों को साबुत ही निकल लिया है। उसने सोते हुए भेड़िये का पेट काटा और अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िया के पेट में पत्थर भरकर सुई से सिल दिया और अपने बच्चों के साथ घर लौटा। भेड़िये की जब नींद खुली तो उसे बहुत प्यास लगी थी। वह नदी की ओर जाने लगा। पत्थरों के वजन से उसे अपना पेट बहुत भारी महसूस हो रहा था और उसे चलने में कठिनाई भी हो रही थी। फिर भी वह किसी तरह चल के नदी तक पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा। जैसे ही वो झुका, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जाके गिर गया और पत्थरों के बोझ के कारण वह नदी के पानी में डूब गया। और ये सब देख के बकरी और उसके 7 बच्चे बहुत खुश हुए और पहले की तरह ही वो जंगल में खेलते और कूदते और मिलजुल कर रहते।